लगभग 27 फीट बाय 50 फीट का एक हाउस प्लान हमारे पास आया था 3D फ्लैट डिवीजन बनाने के लिए। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का प्लान आया था, मतलब दो मंजिल का प्लान हमारे पास आया था। वो प्लान मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और शॉर्ट में समझाने भी वाला हूँ। और उस प्लान के अकॉर्डिंग हमने काफ़ी सुंदर और काफ़ी अट्रैक्टिव एक 3D फ्रंट एलिवेशन बनाकर दिया था कॉर्नर व्यू में। वो 3D फ्रंट एलिवेशन भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। काफ़ी सुंदर और काफ़ी अट्रैक्टिव फ्रंट एलिवेशन है, आपको ज़रूर पसंद आ जाएगा। और उसके कुछ कलर ऑप्शन भी हमने बनाए थे, वो कलर ऑप्शन भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो बहुत ही शॉर्ट में ये प्लान समझाऊंगा, उसके बाद में इसका 3D फ्रंट एलिवेशन समझाऊंगा। प्लान भी काफ़ी अच्छा है और फ्रंट एलिवेशन भी काफ़ी अच्छा है, आपको आपके घर के लिए या आपके प्लान के लिए इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो आइडियाज आ सकती है। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिजाइन और उसी के साथ साथ में होम डिजाइन के बारे में हर तरह की जानकारी चैनल पर लाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो सबसे पहले 27 फीट जो है लगभग इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक है। और उसके बाद में यहाँ पर मेन गेट रहेगा, गेट से एंट्री करेंगे तो हमको पार्किंग के लिए एरिया मिलता है लगभग 12 फीट 7 इंच बाय 15 फीट का, मतलब 12 फीट 7 इंच बाय 15 फीट का। लेफ्ट साइड में हमको स्टेयरकेस मिलती है ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए, यहाँ से हमारी सीढ़ी स्टार्ट होती है। उसके बाद में हम यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर, मतलब ऊपर की मंजिल पर, यहाँ पर इस पार्किंग के ऊपर जो पोर्च रहेगा इसके ऊपर हम पहुँच जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर ड्राइंग रूम है। देखिए ये प्लान जो हमने नहीं बनाया था, जिन्होंने भी यह प्लान बनाया है हम उनको क्रेडिट देते हैं, काफ़ी अच्छा प्लान उन्होंने बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम बताया है 12 फीट 6 इंच बाय 14 फीट का इसका साइज बताया गया है। यहाँ पर हमको वरांडा लगेगा और यहाँ पर हम वरांडा से एंट्री करेंगे ड्राइंग रूम में। 12 फीट 6 इंच बाय 14 फीट का इसका साइज बताया गया है। उसके बाद में इस ड्राइंग रूम से हम एंट्री कर सकते हैं इस साइड में। देखिए यहाँ पर एक लॉबी बताई गई है, 6 फीट 7 इंच बाय 10 फीट 3 इंच का इसका साइज है। और राइट साइड में यहाँ पर हमको किचन मिल रहा है लगभग 8 फीट 3 इंच बाय 14 फीट का, मतलब 8 फीट 3 इंच बाय 14 फीट का। किचन को आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में विंडो है, लेफ्ट राइट साइड में भी विंडो है और यहाँ पर एक डोर बताया गया है इस वॉश एरिया को यूज़ करने के लिए, मतलब यहाँ से हम बाहर भी निकल सकते हैं वॉश एरिया की तरफ। और ये जो ड्राइंग रूम है इसको एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी दिया था, आप देख सकते हैं 6 फीट 3 इंच बाय 6 फीट 3 इंच का इसका साइज बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पर वॉश एरिया बताया है, ये वॉश एरिया ओपन टू स्काई रहेगा और 6 फीट 3 इंच बाय 3 फीट 7 इंच का इसका साइज बताया गया है। और यहाँ से इस वॉश एरिया से यहाँ पर टॉयलेट को और इस टॉयलेट को वेंटिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्लैब नहीं डालेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते देखिए राइट साइड में यहाँ पर आते हैं तो हमको एक बेडरूम मिल रहा है 10 फीट 9 इंच बाय 12 फीट 3 इंच का इसका बेडरूम का साइज हमको मिलता है। और इसको एक अटैच वाला बाथरूम दिया गया है जो काफ़ी बड़ा है, 6 फीट बाय 6 फीट 3 इंच का। और ये जो बेडरूम है इस बेडरूम को जो है यहाँ पर भी एक डोर बताया है, यहाँ से हम बाहर भी निकल सकते हैं डायरेक्टली, आप देख सकते हैं, मतलब ये बेडरूम जो है सेपरेटली बताई गई है, इसको अटैच वाले बाथरूम भी दिया गया है। तो उसके बाद में वापस आते हैं हमारे इस पैसेज में और यहाँ से हम एंट्री करेंगे हमारे सेकंड वाली बेडरूम में, मास्टर बेडरूम है। और इसका साइज हमको मिलता है लगभग 14 फीट 4 इंच बाय 11 फीट 6 इंच का मिलता है। और उसके बाद में यहाँ पर इसको एक अटैच वाले बाथरूम दिया गया है जो अंदर से यूज़ होगा, यहाँ से एंट्री होगी, यहाँ पर ड्रेसिंग रहेगा और उसके बाद में यहाँ पर टॉयलेट रहेगा। 6 फीट 3 इंच बाय 5 फीट 3 इंच का इसका साइज़ है। ड्रेसिंग का जो है 4 फीट बाय 5 फीट 3 इंच का साइज़ है। और ये जो बेडरूम है इस बेडरूम को आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से वेंटिलेशन मिलेगा क्योंकि यहाँ पर भी OTS छोड़ा गया है, ये ओपन टू स्काई रहेगा 4 फीट 9 इंच बाय 6 फीट 3 इंच का। इससे यहाँ पर इस टॉयलेट को भी वेंटिलेशन मिलेगा और यहाँ पर इस बेडरूम को भी वेंटिलेशन मिलेगा। वैसे तो इस साइड में उनकी जगह थी तो यहाँ पर भी विंडो उन्होंने इस साइड में बताई गई है, लेकिन इस साइड में कोई भी विंडो उन्होंने नहीं बताई है, मतलब इस साइड में उनका प्लॉट नहीं था। लेकिन वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉश एरिया छोड़ा गया है तो यहाँ से वेंटिलेशन मिलने वाला है। और यहाँ पर जो ओपन छोड़ा गया है यहाँ से वेंटिलेशन मिलने वाला है, ये ओपन जो है अंदर से यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो वॉश एरिया दिया गया है ये भी अंदर से यूज़ करेंगे, मतलब कोई भी जगह हमारी वेस्ट नहीं जा रही है। तो इसके बाद में इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान जो है किस टाइप में बनाया था वो भी एक बार देख लेते हैं। ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लोर पर हमारी एंट्री स्टेयरकेस से यहाँ पर इस वरांडे पर होने वाली, इस पोर्च में होने वाली है। 13 फीट 9 इंच बाय 17 फीट 3 इंच का इसका साइज बताया गया है। यहाँ से ड्राइंग रूम है 12 फीट 6 इंच बाय 14 फीट की सेम है लगभग। यहाँ पर इसको एक टॉयलेट बाथरूम भी दिया गया है अटैच 6 फीट 3 इंच बाय 6 फीट 3 इंच का। यहाँ पर ओपन किचन है 8 फीट 9 इंच बाय 14 फीट का। किचन को इस साइड में बालकनी बताई है, टेरेस बताया गया है, ये पूरा जो है ओपन टेरेस रहेगा, मतलब ओपन टेरेस या तो फिर इसे पोर्च भी कह सकते हैं। यहाँ से किचन से हम यहाँ पर इस टेरेस में एंट्री कर सकते हैं। 4 फीट 3 इंच जो है इसका विड्थ है। फिर से एक बेडरूम है 11 फीट 9 इंच बाय 14 फीट का इसका साइज बताया गया है। इस बेडरूम को यहाँ पर भी डोर बताया गया है जैसे कि नीचे बताया था, और यहाँ पर अटैच टॉयलेट बाथरूम बताया है जैसे कि नीचे बताया था। ये जो ओपन है वो ओपन ऐसे ही रहेगा नीचे से। और यहाँ पर जो सेकंड वाला जो बेडरूम है ये मास्टर बेडरूम है, 13 फीट 4 इंच बाय 11 फीट 6 इंच का इसका साइज़ है। यहाँ पर उसका टॉयलेट बताया 8 फीट बाय 5 फीट 3 इंच का।
अंदर से यूज़ होगा और ये यहाँ से इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिलेगा। यहाँ पर भी उन्होंने डोर बताया है लेकिन यहाँ पर डोर की ज़रूरत नहीं है, मतलब डोर बैठेगा ही नहीं है क्योंकि ये OTS छोड़ा था हमने, ठीक है। लेकिन ये प्लान हमने नहीं बनाया था इसलिए उनके हिसाब से उन्होंने छोड़ा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.5 फीट जो है लगभग इस साइड में छोड़ी गई है जगह, और मतलब गैलरी बताई गई है, मतलब 27+ यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये 3 फीट एक्स्ट्रा मिल रहा है हमको, मतलब लगभग 30 फीट बाय 50 फीट का भी ये जो है पूरा जो है प्लॉट का एरिया है, उसमें ये पूरा जो है प्लान बनाया गया है। तो ठीक है, 30 फीट बाय 50 फीट का ये पूरा जो है प्लान था, ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है और नीचे पहले जो है ग्राउंड फ्लोर का प्लान बना था। तो इसका 3D फ्रंट एलिवेशन जो है हमने किस टाइप में बनाया था वो भी एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा खूबसूरत सा जो सिंपल सा हमने डिज़ाइन बनाया था कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नॉमिनल चेंजेस भी किए गए हैं कलर के साथ में, वो भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है पूरा डिज़ाइन है। यहाँ पर मेन गेट बताया गया है, यहाँ पर डोर बताया गया है, यहाँ पर ड्राइंग रूम का डोर बताया था, यहाँ पर विंडोज़ थे किचन के इस साइड में भी। तो जैसा उनका प्लान था उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा जो है डिज़ाइन हमने बनाया। यहाँ इस साइड में बालकनी है, यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो है पोर्च बताया गया है। तो आप देख सकते हैं इस पोर्च में यहाँ से भी एंट्री हो सकती है इस साइड से, और यहाँ पर जो बेडरूम बताया गया इसे भी यहाँ पर एक डोर बताया है जो दिख नहीं रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पर इस बेडरूम को जो है यहाँ पर डोर हमने बताया था। इस डोर से इस साइड में भी निकल सकते हैं, मतलब इस साइड में भी उनका जो है रोड था। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस साइड में ACNC डिज़ाइन के पीछे आपको एक डोर नज़र आ जाएगा। तो इस टाइप में ये पूरा जो है डिज़ाइन है। अब नॉमिनल चेंज किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहीं पर आपको कुछ चेंजेस नज़र आ जाएंगे, बाकी जो पोर्शन लगभग सेम है, बाकी कलर कॉम्बिनेशन में चेंज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन में चेंज किया गया है। तो ये एक डिज़ाइन था, उसके बाद में ये आप देख सकते हैं ये भी एक डिज़ाइन है, इसमें ये लाइट्स यूज़ किए गए हैं। ये भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है, आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी खूबसूरत है। फिर से कलर कॉम्बिनेशन में चेंज किया गया था, डिज़ाइन सेम था, और फिर से आप देख सकते हैं डिज़ाइन लगभग सेम है। यहाँ पर कुछ चेंज किया गया है टेक्सचर में, बाकी लगभग डिज़ाइन चेंज है। यहाँ पर CNC भी सेम है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप में ये जो है पूरा जो है डिज़ाइन हमने बनाया था और कलर कॉम्बिनेशन हमने बनाए थे। तो ये पूरा जो है डिज़ाइन आपको कैसा लगा, ये प्लान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस प्लान में या डिज़ाइन में हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं आप हमको सुझा सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि किसी की मदद हो सकती है आपके शेयर से। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगभग हज़ारों की तादाद में यहाँ पे प्लान्स और डिज़ाइन हमने अपलोड किए हैं, और आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स डिज़ाइन जो है आप इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।